मुसाफिर हम सभी हैं और दुनिया गेस्ट हाउस है। वक्त कुछ रोज राही का, वक्त कुछ रोज राही का, ठिकाना गेस्ट हाउस है। मुसाफिर हम सभी हैं और दुनिया गेस्ट हाउस है। मुसाफिर की नजर रहती है हरदम अपनी मंजिल पर, पहुंचना चाहती है जैसे किश्ती अपने साहिल पर। थके हारे मुसाफिर का सहारा गेस्ट हाउस है। मुसाफिर हम सभी हैं और दुनिया गेस्ट हाउस है। आ यार वाकई वो यादें भी क्या खूब यादें हैं। बड़ी याद आती हैं। आजा आजा उस्मान। क्या देख रहा है? मैं ये देख रहा हूँ कि तेरा मकान कितना आलीशान है यार। छोड़ना यार, बस अल्लाह के करम से छोटा मोटा गरीब खाना है। फिर तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि सब तेरे जैसे गरीब हो जाएं। चल आ जा और बैठ। और भी उमर मियां, कैसी लगी आपको हिंदुस्तान की जन्नत? बहुत बढ़िया। सेबों के बागात, चिनार के दिलकश पेड़ों के झुंड, सब्जियों के लहलाते खुशनुमा खेत और उसमें काम करती हुई हसीनाएं, वाह क्या दिलकश और हसीन नजारे हैं। इसीलिए तो इसे हिंदुस्तान की जन्नत कहते हैं जनाब। सही कहा निसार भाई तुमने, अगर जमीन पर कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। अरे निसार मियाँ, ये बांसुरी किसकी याद में बजाई जा रही है आज? नहीं उस्मान, किसी की याद में नहीं बजा रहा। देखना कितना खुशनुमा मौसम हो रखा है। हाँ वो तो है, बस इसीलिए दिल कर रहा था। नहीं वैसे जमीला के आने का वक्त भी हो रहा है और उसके गुजरने का रास्ता भी यही है, कहीं उसी का इंतजार तो नहीं कर रहे जनाब? मोहब्बत बहुत करती है तुमसे। उस्मान वो मुझसे मोहब्बत करती है या नहीं करती इस बात का मुझे नहीं पता। हाँ मैं किसी से मोहब्बत जरूर करता हूँ। कौन है वो खुशनसीब, हमें भी बता दीजिए। यार तू मेरा बचपन का दोस्त है, तुझे नहीं बताऊंगा तो और किसे बताऊंगा? तो जल्दी बताइए जनाब। अभी नहीं,
सही वक्त आने पर बताऊंगा। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा अब यहीं बैठे बांसुरी बजाएंगे कि मेरे साथ चलेंगे? चल तेरे साथ ही चलता। चलो कहाँ था तू? अबू मैं वो काम ही करवा रहा था। कौन सा काम? अबू वो अंबर की पेटियाँ, महाराजा की पेटियाँ और जाफरान की पेटियाँ वो ठीक से लगवा दी है मैंने। और वो सब पेटियाँ ट्रक में लादने के लिए मेरे लिए छोड़कर चला गया है? अबू वहाँ गुल्ला है ना, और बाकी के मजदूर भी तो हैं। सब मजदूर भाग गए। अबू आपकी यही मुश्किल है कि आप अपनी अंटी ढीली नहीं करते हो, मजदूर की मजदूरी कम देते हो और उससे काम ज्यादा करवाते हो। अच्छा तो अब तू मुझे सिखाएगा कि कारोबार किस तरह से करना चाहिए, मजदूर को उसकी मजदूरी कब और किस तरह दी जानी चाहिए। अबू हमारे नबी ने भी कहा है कि मजदूर को मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले उसको दे देनी चाहिए। तो बेटा होने की हैसियत से तुम्हारा भी बाप के लिए कुछ फर्ज बनता है कि बाप के काम में हाथ बटाओ। रह दे के गुल्ला बचा है जिससे थोड़ी बहुत मदद मिल जाती है। गुल्ला यानी कि गुलबट। अबू वो सिर्फ इसलिए यहाँ टिका हुआ है क्योंकि वो गूंगा है, वरना आपके जुल्म सितम वो ना सहता हुआ कब का भाग गया होता। तो तू तो बोल सकता है ना, तू तो जानता है कि बेटे का बाप के लिए क्या फर्ज होता है। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुटा जाएं। क्या है तू मुझे हमेशा देख के हंसती क्यों है? तुझे मैं क्या फिरंगी लगता हूँ? मैं तुझे देख के क्यों हंसूंगी? फिरंगी भी हो तो क्या तेरे अंदर लाल टके हैं? मुनीरा तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। छोड़ मुनीरा, क्यों इसे मुंह लगा रही है? इसे तमीज नहीं लड़कियों से बात करने की। तमीज नहीं लड़कियों से बात करने की? तुम तीनों को तो मैं देख लूंगा, एक एक की शिकायत करूंगा घर जाके कि यहाँ पे आवारा गर्दी करती हैं। जा जिसके मर्जी आए शिकायत कर। मुनीरा ये अपने आप को यूसुफ शाह चक समझता है। अबे ये यूसुफ चक भाई साहब कौन है तुम्हारे? लो कर लो बात। कश्मीर में रहते हैं और इन्हें पता ही नहीं। मैं बताती हूँ, एक बार का किस्सा है। हब्बा खातून केसर के खेत में काम कर रही थी, तभी वहाँ अचानक बादशाह यूसुफ शाह चक आ गया। तो तुम्हें देख के हम इसलिए हंस पड़े कि आज फिर बादशाह यूसुफ शाह चक आ गया। अरे ये यूसुफ शाह चक नहीं, ये तो निसार अहमद गनाई है जो फौजी बनना चाहता है। हाँ, तो तुम्हें कोई शक है क्या? नहीं नहीं, हमें क्यों शक होगा, बिल्कुल बनो। फौजी बन के तो तुम ज्याला जवान दिखोगे। जमीला तू निसार से शादी कर ले। ना बाबा ना, बात बात पे मुझ पर बंदूक तानेगा और मुझे मौत से पहले ही मौत आ जाएगी। बेबौत तो बेचारा वो मरेगा जिसे तू अपनी अखियों से गोली मारेगी। ए वतन। रुको निसार रुक जाओ, बहुत देर से देख रही थी मैं तुम्हें। वो लड़कियां तुम्हें छेड़ रही थी है ना, तुम उनकी बातों का बुरा मत मानना, वो तो बस यूं ही। पर मुझे पता है कि तुम फौज में ही जाओगे। हाँ जायदा, तुम्हें तो पता ही है कि बचपन से मेरा फौजी बनने का ख्वाब रहा है। और तुम्हें पता, मुझे अपने अब्बू का वो सेबों का काम बिल्कुल समझ में ही नहीं आता। पता है, मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि वो तुम्हारी सारी मुरादें पूरी करे। पर निसार तुम्हें तो पता है हम बहुत गरीब हैं और गरीबों को ख्वाब देखने का कोई हक नहीं है। अरे नहीं जायदा, ऐसी बात नहीं है, ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, वो अमीरी और गरीबी नहीं पहचानते। और वैसे भी अल्लाह ताला को जिसकी तकदीर बदलनी होती है उसका वो जरिया पैदा कर देते हैं। तुम कह सकते हो, तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारी सोच और हमारी सोच में
बहुत फर्क है। हम तो दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए ही सारा वक्त निकाल देते हैं, लेकिन हाँ एक बात जरूर है, अगर मुझे कभी सरहद पर जाने का मौका मिलेगा ना, तो मैं फौजी का लिबास पहनकर अपना जौहर दिखा सकती हूँ, मुल्क के लिए तो अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। ज़ायदा, आज वक्त बदल गया है, आज लड़कियाँ फौज का हिस्सा बन रही हैं। मानती हूँ निसार, लेकिन आज भी गरीबों के लिए राह नामुमकिन है। ऐसा नहीं है ज़ायदा, फौज में अमीरी और गरीबी देखकर भर्ती नहीं किया जाता, वो तो लड़की लड़कियों का सिलेक्शन इस बिना पर करते हैं कि मुश्किल वक्त में वो कैसे उसका सामना कर पाए। निसार, तुम्हारी बात से मैं इत्तेफाक रखती हूँ, अल्लाह ताला से मैं दुआ करूंगी कि वो भी मुझे वतन की खिदमत का एक बार मौका दे। क्या अब्बा, रोज रोज वही, कभी हाक और शाली, कभी शाली और हाक। अब मैं तेरे लिए रोज बाजवान कहाँ से पकाऊँ, कैसे पकाऊँ? जब तेरी माँ जिंदा थी तो रोजाना नए नए लजीज खाने पकाया करती थी। अब्बा, क्या मेरी माँ मुझसे प्यार करती थी? हाँ करती थी, क्या मैं तुझसे प्यार नहीं करता? बेटा निसार, अब मुझसे घरेलू काम नहीं होते, ये खाली घर मुझे काटने को दौड़ता है। इस घर में एक औरत का होना जरूरी है ताकि घर घर लगे। मैं चाहता हूँ कि तू शादी कर ले। अबू, मेरी शादी का तो आप ख्याल भी भूल जाओ, आपको तो पता है ना मेरा ख्वाब, और वो है फौजी बनना। तू हमेशा से जुनूनी रहा है और ये भी तेरा जुनून है। ठीक है, फिर मैं ही शादी कर लेता हूँ। अरे तू फौज में चला जाएगा तो मैं तो बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा। ये सही कहा आपने अब्बा, आप निकाह कर लीजिए, मेरे जाने के बाद आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। आप किसी बेवा से निकाह कर लीजिए, इससे उसको सहारा मिल जाएगा और आपकी जिंदगी का अकेलापन दूर हो जाएगा। तू क्या चाहता है कि मैं एक बुढ़िया से शादी कर लूं, ताकि बजाय इसके कि वो मेरी खिदमत करे, तमाम उम्र मैं उसकी खिदमत करता रहूं, हैं? तो अब्बू, आप क्या चाहते हैं? लड़की का मामू अपनी भांजी के साथ मेरा निकाह करने के लिए तैयार है, वो जवान और खूबसूरत है। अब्बू, कम से कम अपनी उम्र का तो ख्याल करो। अब मैं इतना बूढ़ा भी नहीं हुआ हूं की लाठी लेकर के चलूं, समझे? अरे निसार बेटा, दरगाह आए थे? अरे चचा आप? जी चचा, हर जुमे रात आता हूँ। भाई बहुत अच्छा करते हो, अच्छा हुआ बेटा तुम मिल गए, रास्ता आसानी से कट जाएगा। तो चलिए चचा। आओ बेटा। चचा, वैसे आपने सही कहा, इंसान जब अकेला होता है तो उसकी जिंदगी का सफर और भी लंबा हो जाता है। बेटा तू जवान है इसलिए ऐसी बातें कर रहा है, तू क्या सोचता है मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ? नहीं नहीं चाचा, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत दिन हो गए तूने मुझे अपनी सूरत तक नहीं दिखाई। अरे चाचा आप भूल जाते हैं, अभी पिछली शिवरात्रि पे तो आया था आपके पास। अरे हाँ, अच्छा ये बता गनाई का क्या हाल है? ठीक है, पर आजकल उनके दिमाग में एक नई सनक चढ़ी हुई है। नई सनक? हाँ, वो निकाह करना चाहते हैं। तेरी चाची पता क्या कहती है? क्या कहती है? वो ये कहती है कि जब किसी आदमी की बीवी मर जाती है तो वो खेत में बिजू बन जाता है, चील कौए उसके सिर में ठोंगा मारते हैं, उसे अकेलापन डसता है,
शायद गनाई भी ऐसा ही महसूस करता होगा। तो चाचा मैं कहाँ मना कर रहा हूँ उनको निकाह करने से, मैं कह रहा हूँ कि अपनी उम्र देखकर करें, मगर उन पे सनक चढ़ी हुई है कि कुंवारी लड़की से करेंगे। मैं उसे समझाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा उसको समझाने की। हाँ चाचा आप वकील हैं, आपकी बात तो वो जरूर मानेंगे, तो जरूर समझाइएगा। मैं उसे जरूर जरूर समझाऊंगा। चलिए अब चलें। गुल्ला इधर आ, ला अखबार दे। ये तो अंग्रेजी का अखबार है, अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है, ले जा इसे, ले जा। ये भी नहीं हो सकता कि कम से कम बाप के लिए उर्दू का अखबार मंगा दे। फौज में रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट, अल्लाह तूने मेरी मुराद पूरी कर दी, ये खबर तो मेरी जिंदगी बदल देगी। अल्लाह मेरी कोशिश परवान चढ़ाना ताकि मैं फौजी की वर्दी पहन सकूं। फौजी की वर्दी पहनकर जो देश की हिफाजत करने में सुकून है वो उन सेब के बागानों में कहां। निसार आज तेरी ख्वाहिश पूरी हुई। उस्मान। अरे निसार खुशामदीद। खैर तो है, आज इतने दिनों बाद नजर आया। सब खैरियत से है, तुझसे एक खुशखबरी शेयर करने आया हूँ। हाँ बता बता, जल्दी बता कौन सी खुशखबरी है। तुझे पता है जिस जुनून के लिए मैं दिन रात तड़पता था वो आज पूरा हो गया। ये देख न्यूज़पेपर में, ये देख एडवर्टाइजमेंट छपा है फौज में भर्ती होने का। मैं अब फॉर्म लेने जा रहा हूँ। मुझे लगा था कि तेरा फौज में भर्ती होने का बुखार उतर गया होगा, पर तेरा ये जुनून तो पहले से भी कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है। क्या यार कैसा दोस्त है तू, देश की हिफाजत और उसकी मोहब्बत उसका जुनून मुझे दिन रात तड़पाता है और तू मेरे जुनून का मजाक उड़ा रहा है। देख निसार मेरे यार, इस जोश और जुनून को छोड़ और अपने कारोबार को संभालने की कोशिश कर। कौन सा कारोबार, वो सेब बेचने वाला। अच्छा ठीक है, तुझे बिजनेस सेब का नहीं करना तो मेरे किराए मान। देख हमारा ये लाखों का कालीन का कारोबार, हमारे यहाँ से सारी दुनिया में बड़े बड़े मुल्कों में कालीन जाते हैं और कई बार तो डिमांड इतनी ज्यादा हो जाती है कि मांग पूरी करनी मुश्किल हो जाती है। तू चाहे तो मेरे इस बिजनेस को ज्वाइन कर जा, मतलब बिजनेस पार्टनर की हैसियत से। उस्मान वो तेरा खानदानी बिजनेस है, तेरा सूझा बूझा हुआ कारोबार यार, उसमें मैं कैसे एडजस्ट हो सकता हूँ। चल ठीक है, पर मुझे तेरी एक बात समझ में नहीं आई। वो क्या? कि अभी तो अखबार में सिर्फ इश्तिहार आया, तूने ये कैसे समझ लिया कि तेरी भर्ती फौज में हो ही जाएगी। फिर वही बात, देख मेरी तरफ, अच्छा खासा हट्टा कट्टा नौजवान हूँ मैं, मेहनती ग्रेजुएट, सख्त से सख्त काम करने के लिए तैयार। बिल्कुल। और ऊपर से कितना कॉन्फिडेंस है मुझमें, तुझे क्या लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा? चल भाई जैसे तेरी मर्जी। हेलो जी, उस्मान बोल रहा हूँ, इम्पीरियल कालीन इंडस्ट्रीज। जी कौन? गुलाम मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी से 1 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ठीक है कल माल भेज देंगे। ओके ओके थैंक यू। देखा निसार, तेरे सामने ही जर्मनी से 1 करोड़ का ऑर्डर मिल गया है कालीन का। अरे यार तुझे तेरा ये 1 करोड़ का ऑर्डर मुबारक हो, मैं तो चला फॉर्म भरने के लिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेरे दोस्त, चल फिर मिलूंगा। अल्लाह तेरी मुराद पूरी करे मेरे दोस्त।
आ भाई आ पंडित बैठ। मैंने तेरी सारी बातें सुन ली हैं, अब ये बता तू चाहता क्या है? मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। दूसरी शादी किस लिए? भाई ये खाली घर मुझे काटने को दौड़ता है, अब घरवाली होगी तो एक से दो हो जाएंगे और फिर मुझे पकी 2 जून की रोटी भी मिल जाएंगी। बात तो ठीक है तेरी, तू एक काम कर, किसी जरूरतमंद बड़ी उम्र की बेवा से कर ले, तेरी जरूरत भी पूरी हो जाएगी और रोटी पानी भी तुझे वक्त पे मिलता रहेगा। पंडित तू भी मेरे बेटे की जबान बोलने लगा? अरे मैं शादी करूंगा तो अपनी मर्जी और अपनी पसंद की लड़की से। देख गनई, तेरी उम्र मेरे बराबर जरूर है लेकिन जिंदगी का तजुर्बा मुझे बहुत ज्यादा है। तू अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करेगा तो तेरा बुढ़ापा उसके नखरे उठाते उठाते ही गुजर जाएगा। अरे तू मिट जाएगा, उसके नखरे नहीं। जाने सारा दिन किन बेकार के कामों में मसरूफ रहता है, कांगड़ी भी ठंडी पड़ी है। अब जब तक तुझसे कहूंगा नहीं कि इसमें कोयला डाल आग जला तो करेगा ही नहीं। अपने पेट की आग बुझाना तो तू भूलता नहीं और कांगड़ी में कोयला डालना आग जलाना भूल जाता है। ले ले जा इसे और इसमें कोयला डाल और आग जला कर ला, जा। ये रेडियो श्रीनगर है। अब आप गुलाम अहमद भट्ट से एक तकरीर सुनिए। सरजमीने कश्मीर ने हमारे मुल्क को जहां बड़ी बड़ी हस्तियां दी हैं उनमें से एक मशहूर और मारूफ हस्ती हैं गनी कश्मीरी, जिनका नाम कश्मीरी अदब में बड़े अदब व एहतराम से लिया जाता है। रियासती हुकूमत की जानिब से गनी साहब को उनकी खिदमात के एतराफ में गालिब अवार्ड देने का ऐलान किया गया है, जिसकी वजह से उर्दू अदब के तमाम हलकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। गनी कश्मीरी हमा पहलू शख्सियत के मालिक थे। आप एक मशहूर व मारूफ शायर और दानिश्वर थे। उनकी शख्सियत के बारे में एक दिलचस्प वाकया काबिले गौर है। जब वो घर से कहीं घूमने जाते थे तो घर के खिड़की दरवाजे खुले छोड़ जाते थे, मगर जब वो घर के अंदर होते थे तो सारी खिड़की दरवाजे खूब अच्छी तरह से बंद करके रखते थे। गनी साहब की शख्सियत से मुतासिर एक नौजवान ने उनसे दरियाफ्त किया कि आप जब घर में होते हैं तो खिड़की दरवाजे बंद रखते हैं, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो घर खुला छोड़ जाते हैं, ऐसा क्यों? तो गनी साहब ने फरमाया, बरखुरदार, घर की सबसे कीमती चीज तो मैं हूँ, जब मैं बाहर होता हूँ तो कोई क्या चुराएगा, क्योंकि घर की सबसे कीमती चीज तो घर से बाहर है। तो ऐसे थे हमारे गनी कश्मीरी साहब, हकीकतन इंसान ही सबसे कीमती चीज है। खुदा हाफिज। अलामा इकबाल ने भी क्या खूब कहा है ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान की खिदमत के लिए ही तो मैं फौज में भर्ती होना चाहता हूँ। एक बात बता निसार, क्या तुझे पूरा यकीन है कि तेरा सिलेक्शन फौज में हो ही जाएगा? यकीनन, इंशाल्लाह। मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी और तू भी दुआ करना कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। अल्लाह तेरी ये मुराद जरूर सुनेगा मेरे दोस्त।